जय श्री राम। हमने यहाँ पे परशुराम जी का लुक क्रिएट करने के लिए ऑरेंज कलर साड़ी, लाइन प्रिंट कपड़ा और ऑरेंज कलर का गमछा, इन दोनों में से कोई से भी आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। और जो भी आपके पास रुद्राक्ष की माला है वो लिया है। और ये यहाँ पे हमने बनाया धनुष और ये तरकश है, बाण है। इसका वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और ये भगवान जी का अस्त्र परशु, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा, भगवान का नाम पड़ा परशुराम। और ये विग, विग का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्किन कलर का एक ब्लाउज पहना दिया। और आपके पास टी शर्ट वगैरह हो स्किन कलर के, वो पहना लीजिए, या तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे साड़ी को सेंटर से हम नॉट लगाएंगे, दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स लगेंगे लेफ्ट और राइट में, और नॉट लगा देंगे। जो भी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे के, आप साड़ी को अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड से हम पैरों के बीच में से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको टाइटली, जहाँ भी जो भी पोर्शन आपके पास हाथ में आ रहा है, ये इसको टाइटली टक कर देंगे। अब ये जो पोर्शन साड़ी का बचा हुआ है, इसकी प्लेट्स बना लेंगे हम, और जो नीचे का साड़ी का बॉर्डर है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पे प्लेट्स में सबसे ऊपर हमने सेफ्टी पिन लगा दिया ताकि प्लेट्स खराब ना हो। अब हम इसको सेंटर से नॉट जहाँ बांधा है वहाँ से नीचे की तरफ टाइटली खींचेंगे, जितना आप खींच सकते हो उतना खींचेंगे ताकि धोती टाइट हो जाए, पैरों में लूज ना दिखे। अब ये जो पोर्शन हमारा सामने है इसको हम पीछे लेके जाएंगे और पीछे की तरफ इस तरह से प्लेट्स टक इन कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो पीछे सेफ्टी पिन लगा सकते हैं ताकि आपकी साड़ी सिक्योर हो जाए प्लेट्स। सेम वे में राइट साइड से भी हम साड़ी को पीछे ले जाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेके जो प्लेट्स पहले बंद से लगी हुई हैं उन्हीं के पीछे अंदर की तरफ टक कर देंगे, और जो आगे का पोर्शन है साड़ी का इसमें प्लेट्स बना लेंगे। इसमें भी प्लेट्स बनाएंगे तो बॉर्डर को ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पे भी सेफ्टी पिन से हमने सिक्योर कर लिया प्लेट्स को। अब इन प्लेट्स को भी सेम वे में हम सेंटर से निकालेंगे और सामने की तरफ टाइटली खींच लेंगे ताकि पैरों में धोती अच्छे से टाइट हो जाए, लूज ना दिखे। अगर अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी ढेर सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लीट्स हैं उनके पीछे मैंने सेफ्टी पिन लगा दिए ताकि प्लीट्स खराब ना हो। ये धोती पहन लिए, थोड़ा सा पैरों में लूज लगे तो यहाँ नीचे पैरों के में धोती में सेफ्टी पिन दोनों पैरों में हम लगा देंगे ताकि धोती पैरों में नीचे बार बार ना जाए। सामने की ये प्लीट्स अगर आपको थोड़ी सी लंबी लगे तो इसको फोल्ड करके सेफ्टी पिन से शॉर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लाइन प्रिंट कपड़ा लिया है जिसको फोल्ड करके इस तरह से प्लीट्स बना लिया है, और ये प्लीट्स के ऊपर ये सेफ्टी पिन लगा लिया है ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि बहुत मोटा होता। अगर आपके पास लाइन प्रिंट कपड़ा ना हो तो आप ऑरेंज कलर का गमछा वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और इसको शोल्डर पे रखने के बाद वहां पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसको फ्रंट में लाते हुए इस तरह से बैक में घुमाते हुए पीछे से, ये जो पीछे का कपड़ा था उसको भी अंदर कर लेंगे और फ्रंट में फिर से लेके आएंगे और इधर साइड में ले जाके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे।
इस तरह से ड्रेसअप हो गया है हमारे भगवान परशुराम जी का। अब हम जो भी हमारे पास रुद्राक्ष की माला वगैरह है वो सारे के सारे पहना देंगे। ये इस तरह से हाथों के ब्रेसलेट जैसे हैं रुद्राक्ष के, और इसको भी पहना देंगे, इसलिए टाइट कर दो। अगर ना हो तो इस तरह से ब्राउन कलर का ऊन से पॉम-पॉम जैसे बना के रुद्राक्ष की माला वगैरह बना सकते हैं। अब आई बारी मेकअप की, तो मेकअप ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का सा करना है। पाउडर अप्लाई करके थोड़े से आईब्रो को हम डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा सा लुक आ जाए। अब हम व्हाइट कुमकुम से माथे पे भगवान का तिलक कर देंगे और बाजुओं पे भी तिलक लगा देंगे। अब यहाँ पे माथे पे एक रेड कुमकुम भी मैंने लगा दिया छोटा सा। अब बारी आती है भगवान की दाढ़ी मूछ की, तो यहाँ पे मैं काजल से दाढ़ी मूछ बनाने वाली हूँ, जो कि सूखे हुए आईलाइनर पेन यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। काजल से बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं और इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। किसी भी कपड़े में तेल लगाइए और इजीली साफ हो जाएगा। अगर आपके पास नकली दाढ़ी मूंछ हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लिए थोड़ी सी हल्की हल्की, फिर इसको काजल से डार्क बना देंगे। क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे नंबर के अवतार हैं, जिनका पहले नाम राम ही था, पर जब भगवान शिव जी से उन्हें परशु यानी कि फरसा कुल्हाड़ी जो अस्त्र मिला, उसके बाद उनका नाम परशुराम हो गया। अब भगवान के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो हम पहना देंगे। यहाँ पे तरकश है जिसमें मैंने बांधने वाला डोरी लगाया और इसे बांध देंगे। इसका वीडियो भी जल्द आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और ये विग है, इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने शिव जी वाला महादेव जी का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। इस तरह से हम डोरी लगाए हुए इसमें बांध देंगे और क्लिप, दोनों तरफ से क्लिप लगा के सिक्योर कर देंगे ताकि गिरे ना। हमारे भगवान तो बहुत खुश लग रहे हैं, ये धनुष बाण लेके खड़े हो गए। अब आ रहा है भगवान परशुराम जी का परशु। और उससे पहले हाथों में ओम तो लिखते, भगवान आशीर्वाद देंगे इसलिए। अब ये भगवान का अस्त्र, हमारे परशुराम भगवान तैयार हैं। आपको कैसे लगे? अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जय श्री परशुराम। Thank you for watching.